12 घंटे अस्पतालों में पड़े रहे शव, परिजन रोते रहे। जिले में कोरोना ने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं कि लोगों के शव नीचे अस्पतालों में पड़े हुए हैं। स्टाफ ने शवों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने जन सेवा दल को फोन किया, जन सेवा दल के सदस्य शव को उठाकर लाए। लोग मौतों से भी लख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपल की संख्या बढ़ा दी है। सोमवार को जिले में 1444 लोगों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए हैं। अब तक 4 लाख से अधिक लोग अपने सैंपल दे चुके हैं। जिले में कोरोना के रोगियों की संख्या का आंकड़ा 18,000 के पार हो चुका है। यह आंकड़ा 18,200 तक पहुंच चुका है। इस माह में 6,500 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक 13,548 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 213 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पहली बार 2 दिन में कोरोना के रोगियों का आंकड़ा 1,000 के पार गया है। रविवार को कोरोना के 504 व सोमवार को कोरोना के 675 रोगी मिले हैं। इन 2 दिनों में कोरोना के रोगियों की संख्या 1,179 दर्ज हुई है। अब एक्टिव केस की संख्या 4,350 पहुंच चुकी है। सिविल अस्पताल में 2 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए हैं। अब सिविल अस्पताल में 4 वेंटिलेटर रनिंग में आ गए हैं। डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा कि कोविड के नियमों का पालन करें, लक्षण मिलने पर जांच जरूर करवाएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।